तो शिक्षा विभाग तो वर्षवार कोई पैनल तैयार नहीं करती है। ये पैनल जिला कलेक्टर या जिला पदाधिकारी के स्तर पर तैयार किया जाता है और उस पैनल के आधार पर समाहर्ता द्वारा अलग अलग विभागों को भेजा जाता है। और जो माननीय सदस्य ने कहा है कि एक पैनल से बहाली हुई है, तो जिस पैनल से जो अनुशंसा कलेक्टर के यहाँ से आई थी उसके आधार पर हमने बताया है कि 56 परिचारी की नियुक्ति की गई है जो पैनल से कलेक्टर द्वारा अनुशंसा होके आया था, और बाकी चूंकि वहाँ से नहीं आया है इसलिए नहीं किया। और वो जो पैनल तैयार करते हैं महोदय, वो सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए ही नहीं होता है, वो कहीं भी किसी भी विभाग में जो रिक्तियां उपलब्ध होती हैं उनके विरुद्ध उनका समायोजन किया जाता है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जो 56 अनुशंसाएं आई थी उसके आधार पर शिक्षा विभाग ने डीओ ने उसकी नियुक्ति की थी, और अगर माननीय सदस्य ऐसा कोई जानते हैं जिसकी अनुशंसा कलेक्टर से आई है वो देंगे तो हम लोग उसको जरूर विचार करें। महोदय, दरअसल 2011 में यह जो अभ्यर्थियों का उसमें से कुछ लोगों का नियुक्ति हुआ और कुछ लोगों का नियुक्ति नहीं हुआ, जिससे उन लोगों को काफ़ी परेशानी है। और हम पूरक पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या सरकार जिलाधिकारी को आदेश देकर बचे हुए अभ्यर्थियों को पुनः बहाल करना चाहती है? सरकार करेगी, जितना मुझे आवश्यकता थी उतना हमने कर दिया, लेकिन आवश्यकता है कि तो फिर होगा माननीय मंत्री जी। और महोदय, जैसा हमने कहा कि जिला पदाधिकारी जो पैनल बनाते हैं, चूँकि शिक्षा विभाग से प्रश्न पूछा गया है, तो शिक्षा विभाग को जो अनुशंसाएँ 11 वाले पैनल से आई थी उनकी नियुक्ति कर ली गई है। और हालांकि नियमानुसार ये पैनल 1 साल 2 साल तक ही वैलिड होता है, लेकिन फिर भी जो उस पैनल में हैं और अगर रिक्तियाँ हैं और वही नियम है, तो जो इसीलिए तो हमने माननीय सदस्य से कहा कि अगर उसमें से कोई कलेक्टर अनुशंसा करके शिक्षा विभाग को देगा तो विभाग जरूर विचार करे। ठीक है। श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री राजेश कुमार गुप्ता, श्री रामविलास कामत। पूछता हूँ महोदय, पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है। महोदय, हमारा पूरक है कि सरकार जो अभी जवाब दी है कि प्राथमिक विद्यालय उत्तर पश्चिम टोला को अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में भवन निर्माण के बाद मूल स्थान पर संचालित करेंगे। महोदय, मेरा यह कहना है कि नवसृजित विद्यालय जितने भी राज्य में खोले गए थे उसमें 2016 के बाद अधिकांश विद्यालयों को बगल के विद्यालय में उसको टैग कर दिया गया, जबकि 5 वर्षों में हमने देखा है हमारे चाहते हैं। पूरक क्या है आपका? पूरक यही है अध्यक्ष महोदय कि सुपौल जिला में 389 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो है दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया है, और वर्तमान समय में विभाग के द्वारा और विधायक सांसद मत से भी कई विद्यालयों में भवन बना दिया गया है, सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन विद्यालय विद्यालय को पूर्व के स्थान पर संचालित करने का आदेश सर। मानी सर, आपका प्रश्न बड़ा पर्टिकुलर है। सुपौल जिला अंतर्गत पिपरा प्रखंड के पंचायत रतौली में पर्टिकुलर एक विद्यालय के बारे में है। महोदय, उसका जवाब सरकार ने दिया, उससे पूरा कुछ हो तो पूछिए। जवाब में इसीलिए हम पूछना चाह रहे हैं, नवसृजित विद्यालय है, दूसरे विद्यालय में टैग है और उसको पुनः अपने स्थान पर संचालित करने का आदेश सरकार दे रही है या माननीय मंत्री? हमने तो अपने मूल उत्तर में ही कहा है, नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। कहा बात हमने कही है कि वहाँ भूमि नहीं थी इसलिए उसमें टैग कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से नवसृजित विद्यालय थी
था तो उसमें भूमि उपलब्ध नहीं थी। हमने ये भी कहा है कि अब भूमि उपलब्ध हो गई है, भवन बनाने की निविदा भी जारी की गई थी, लेकिन एक बार चूंकि एक ही टेंडर डाला गया इसलिए वो कैंसिल हो गया है। अब फिर हम लोग कर रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग निर्माण करा देंगे, तब ये विद्यालय उससे अलग होके अपनी जगह पर चलेगा। ठीक है, हो तो गया। हम सिर्फ एक बात की जानकारी चाहते हैं कि ये जो नवसृजित विद्यालय है जिसको दूसरे विद्यालय में जोड़ दिया गया है, आज पुराने जगह पर जहां पर नवसृजित विद्यालय सृजित की गई थी वहां पर सभी सुविधा होने के बावजूद भी सरकार टैग को हटा करके अपने स्थान पर उस विद्यालय को भेजना चाहते हैं या नहीं? कह रही है 24-25 में कर देंगे, कर तो नहीं सरकार। महोदय, एक माननीय सदस्य एक बात जो कह रहे हैं, जो अभी नई बात की चर्चा उन्होंने की है, जिसकी चर्चा इन्होंने प्रश्न में नहीं किया था, कि जहां से शिफ्ट किया गया है वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसा कि हमने सुना ये कह रहे हैं। तो ये अगर लिख के दे दें कि वहां भी भवन भूमि सब उपलब्ध है, तो स्वाभाविक रूप से उसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए था। हमें तो जो सूचना है कि वहां भूमि नहीं थी और कहीं दूसरी जगह चल रहा था, इसलिए दूसरे विद्यालय से जोड़ा गया है। और हमने ये भी कहा है कि अब वहां भूमि उपलब्ध है, भवन बनाने की निविदा भी प्रकाशित की गई थी, लेकिन वो निविदा सफल नहीं हो पाई। हम फिर से निविदा करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण करा देंगे और फिर विद्यालय उस जगह चलने लगेगा। लेकिन अगर जो महोदय माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं कि पुराने वाले जगह पर सारी सुविधाएं, यानी भूमि भवन अगर सब मौजूद है, तो उसे किस तरह, वो अलग से दे देंगे, हम जांच करा देंगे। ठीक है महोदय, हमारा मनसा सिर्फ एक है कि ये जो नवसृजित विद्यालय खोला गया है पूरे राज्य में, हमारे सुपौल जिला में 389 नवसृजित विद्यालय, पूरे जिला का नहीं हो सकता अभी महोदय, एक एक विद्यालय का महोदय, उसमें इससे पूर्व के सत्र में हमने कई विद्यालय के बारे में प्रश्न डाला है। माननीय महोदय, माननीय सुन तो लीजिए ना, इसके बारे में जवाब दिया मंत्री जी ने, इसके अलावा और विद्यालय में बात करना तो अलग से मंत्री जी से बात कर लीजिए। महोदय, इससे पहले के सत्र में हमने प्रश्न डाला है, उसका जवाब आया है कि सरकार के स्तर पर जब तक निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक उसको जो है टैग से हटा करके अपने स्थान पर विद्यालय चालू नहीं होगा, इस तरह की जवाब शिक्षा विभाग से मिला। आपके इस प्रश्न का जवाब तो दे रहे की 24-25 में कर देंगे, टेंडर भी कर दिया है, ये भी कर रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? विभाग के स्तर पर निर्णय लेने की जरूरत है, अलग से बात कर लीजिए, बैठ जाइए। श्री राजवंशी महतो, श्री गुंजेश्वर शाह नहीं मिला है, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, गुंजेश्वर शाह जी का। महोदय, खंड एक वस्तु स्थिति यह है कि महिषी विधानसभा अंतर्गत प्रखंड महिषी, नवहट्टा एवं सत्तर कटैया मध्य विद्यालयों उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक के कुल 19 विद्यालयों में ICT लैब अधिस्थापित करवाया गया है। खंड 2 एवं 3, वस्तु स्थिति यह है कि विभाग के प्रावधानानुसार ICT लैब अधिस्थापन हेतु अधिकृत एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जाता है और सामान्य रूप से विभागीय अनुश्रवण किया जाता है कि योग्य शिक्षक ही रहें और क्लास भी नियमित हो। अगर कोई माननीय सदस्य विशेष जगह की शिकायत देंगे तो उसकी अलग से हम जांच करा लें। ठीक है अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी समस्या है जिस काम के लिए कंप्यूटर हर एक स्कूल में दिया गया है उसकी पढ़ाई नहीं हो रही। इंस्ट्रक्टर जो रखा है अयोग्य रखा है और जो लैब सप्लाई किया है वो भी मापदंड के अनुकूल नहीं है, वो भी गड़बड़ ही है और पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो वो तो एक दिखाने के लिए वो कंप्यूटर एक
एक रूम को घेर के रखे हुआ है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, हमने तो कहा है कि जो विभाग को सोचना है कि सब जगह, जहां भी हमने कहा कि सब जगह दिया भी नहीं गया, जिन इलाकों की चर्चा इन्होंने की है उसमें 19 विद्यालयों में दिया गया है, और सूचना जो प्राप्त हुई है कि उसके हिसाब से एजेंसी ने इंस्ट्रक्टर दिए हैं और पढ़ाई चल रही है, और अगर ये कह रहे हैं नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से हम इसकी अलग से जांच कराते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगला प्रश्न आपका। ये वहाँ जो जो कंप्यूटर सप्लाई हुआ है वो मानक अनुकूल है, क्या सरकार जांच कराना चाहती है? तो दिखवा लेते हैं आप जो कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका से गुंजे सर, इसके अलावा भी महोदय, अगर किसी विद्यालय विशेष में अयोग्य जो इंस्ट्रक्टर हैं उनकी बात है या कोई आधारभूत संरचना के बारे में शिकायत है तो वो अलग से भी लिख के दे दे, हम उसकी भी जांच करा दें। मानने का अनुकूल नहीं है, कंप्यूटर नहीं, लिख के दे दीजिए, एक बार तुरंत दिखा देंगे। दूसरा प्रश्न आपका है गुंजेश्वर शाह जी, उसका भी जवाब नहीं मिला। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, सेकंड क्वेश्चन इनका। सरकार तो वही है, जवाब भी सरकार दे रही है, आपके समझने में फर्क आ गया है। आप कोई पहले, आप कोई पहली बार थोड़े चुट लाली जी बैठिए, फिर आप अरे गुस्सा में नहीं बोलते भाई, अब देखिए ना, अरे मुस्कुरा के बोलिए। माननीय मंत्री जी, महोदय सुनिए, खंड 1, 2, 3, वस्तु स्थिति यह है कि कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत पात्र छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु दी जाने वाली राशि को जून 18 में वृद्धि किया गया है। महोदय, जो वर्ग 1, 2, 3 से 5 तक के लिए है, पहले 400 रुपया प्रति बालक दिया जाता था, उसे अब 600 कर दिया गया है। जो 500 रुपया पहले प्रति बालिका दिया जाता था उसको अब 700 कर दिया गया है। वर्ग 6 से 8 के लिए जो पहले 700 दिया जाता था वो अब 1000 कर दिया गया है। 9 से 12 तक के लिए जो 1000 दिया जाता था उसको 1500 कर दिया गया है। और महोदय, इसी प्रकार कक्षा 9 में अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं को साइकिल क्रय हेतु पूर्व में महोदय 2000 रुपया दिया जाता था, जिसे अक्टूबर 2018 में वृद्धि करके 3000 कर दिया गया है। हो गया अध्यक्ष महोदय, जो 1 से 5 के बच्चे या 5 से 10 गरीब बच्चे बहुत हैं इसमें, हम समझते हैं 80% बच्चा गांव घर में गरीब के बच्चे ही उसमें पढ़ते हैं, और जितना दाम बढ़ गया है हर चीज़ का, नहीं जैकेट का, स्वेटर का, जूता का, क्या 400-600 रुपया में संभव नहीं है? और जब वो बच्चे, जब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो तो अपने बच्चों को अपना पैसा दे करके पूरा देते हैं, जो गरीब है वो अपने बच्चों को कहाँ से पुराएगा? इससे होता है क्या, वो जब ड्रेस पहन के वो भी आते हैं, ये बच्चे जाते हैं, समानता नहीं रहती है। पूरक पूरक यही है कि बच्चों के ड्रेस में और सब में उसका मान दाम बढ़ाया, उन्होंने उनका उनको राशि बढ़ाई जाए। सरकार ने तो कहा कि बढ़ाया अभी। जी जी, अभी सरकार ने तो बढ़ाया, उससे उससे नहीं हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी की जाए, राशि की बढ़ोतरी की जाए। माननीय मंत्री, बाजार मूल्य को ध्यान में रख करके राशि बढ़ाई जाए। आप कह रहे बढ़ा दिया जाए, हम कह रहे हैं कि बढ़ा दिया गया। अब लीजिए। और ललित जी बैठ जाइए, आपको ललित जी के नहीं बोल सकते आपको। महोदय, हम अलग अलग श्रेणी के लिए कितना बढ़ाया गया है वो भी हम फिर से बता देते हैं। हाँ, कि 1 से 2 माने कक्षा 1 और 2, इसमें पढ़ने वाले जो बालक थे
जिनके लिए हम लोग 400 रुपया दे रहे थे उसको बढ़ा के हमने 600 कर दिया है। जो बालिका 3 से 5 बालक बालिका दोनों पर जो समान रूप से लागू होता है, मतलब 1 से 5 तक, जो बालिका को हम पहले 500 रुपया पोशाक के लिए देते थे अब 700 रुपया देते हैं। और महोदय वर्ग 6 से 8 तक के लिए जो हम पहले से पोशाक राशि 700 रुपया थी उसको हम लोगों ने 1000 कर दिया है। और 9 से 12 के लिए जो पहले 1000 दे रहे थे उसको हम लोग ने 1500 कर दिया है। और जो साइकिल के लिए राशि हम लोग पहले 2000 देते थे अब 3000 देते हैं। वही तो बढ़ा दिया, आप कह रहे थे बढ़ा दीजिए, हम तो कह रहे बढ़ा दिया। श्री विजय कुमार सिंह हो गया, बैठ जाइए। विजय कुमार सिंह, श्री बागी कुमार वर्मा, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, आपको तो बुला रहे थे, बोलते क्या नहीं? विजय कुमार सिंह तो बोल रहे थे। पूछता हूँ, बोलिए, उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, रखना भाई जी, बोलिए, पूरा पूछिए। उत्तर मिल गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरा स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में मेंशन है कि 183 करोड़ रुपए का अधिक निकासी की गई और उस निकासी से जो भी उचित पदाधिकारी थे उनसे कोई भी स्वीकृति नहीं ली गई। सरकार इसका जवाब सही ढंग से नहीं दे रही है। महोदय मेरा पूरक यही है कि ये जो राशि का जो गमन हुआ, जो निकाला गया है, क्या इसकी जांच माननीय मंत्री जी करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्योंकि विभाग महोदय हमने तो उत्तर में बताया है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसको हमने कहाँ गलत कहा है, राशि बढ़ाई गई है। हम कह रहे हैं कि पहले जो राशि 58.12 लाख था प्रति यूनिट उसको हम लोगों ने बढ़ा के 73.4 लाख किया है। और वहाँ जो G+1 का जो मैंने निर्माण होना था जिसका बिल्टअप एरिया कम था उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। अब जो पहले जितने दूर में भवन बनने थे उसका आकार बढ़ा है, इसलिए भी उसकी राशि पुनरीक्षित हुई है। और जो पुनरीक्षण किया गया है महोदय उसके लिए जो विधिवत तरीका है उसको पूरा करने के बाद ही बढ़ाया गया है। और अगर इसमें जो 2-3 स्टेज पे बढ़ाया गया है उसमें कहीं माननीय सदस्य को शक है कि इसमें प्रक्रिया नहीं फॉलो की गई है तो आप हमको अलग से बता दीजिए, हम दिखवा लेंगे। सरकार इसको छिपाना क्या, हम तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय देखने का विषय ये है कि एक साल के अंदर में 4 बार, एक बार नहीं 4 बार इसका ये हुआ है, रिविजन हुआ है। बस वही चीज को हम लोग चाहते हैं कि जांच करा लीजिए और नहीं होता है तो विधानसभा के कमिटी से ही जांच करा लीजिए। सरकार जब खुद स्वीकार करे कि हाँ बढ़ाया है तो समस्या क्या है? चार बार अध्यक्ष महोदय बैठिए, एक साथ दो आदमी मत करो। हमने कहा कि बढ़ा है और हम तो आपको साल बता रहे हैं कब कब बढ़ा है, एक साल में नहीं बढ़ा है। आप अगर एक साल में बढ़ा है 3 बार वो कागज दे दीजिए तो जरूर जांच करके कार्रवाई करेंगे जरूर। श्री बागी कुमार वर्मा, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मनोहर जी पूरा पूछिए। महोदय उसमें 3 कमरे के निर्माण के बारे में तो कहा गया है लेकिन शौचालय के बारे में नहीं कहा गया, क्या उसमें सरकार शौचालय भी बनाना चाहती है? महोदय 3 कमरा तो माननीय सदस्य ने अतिरिक्त कमरों की भी बात की थी, 3 कमरा बनवा रहे हैं, शौचालय भी इसमें बनवा देंगे। ठीक बन रहा है। श्री कुमार शैलेंद्र पूरक पूछिए। माननीय महोदय
उत्तर बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन लगता है कि विभाग को कंफ्यूजन हो गया है। वो मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय एक ही जगह है, और बेंच डेस्क के लिए इन्होंने कहा है कि एक महीने में हम दे देंगे, तो एक बार केवल चार दीवारी दिखा दें, जांच करवा लेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि सर ने कहा कि एक महीने में बेंच डेस्क दे दें, केवल चार दीवारी के एक बार जांच करवा लेंगे, क्योंकि मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय एक ही जगह है, मध्य विद्यालय में बना हुआ चार दीवार। माननीय मंत्री, एक महीना में कहीं नहीं दे। विभाग को जो सूचना आई है उसके हिसाब से है कि झंडापुर के विद्यालय में चार दीवारी उपलब्ध है, जैसा कि हमने कहा है, और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि चार दीवारी नहीं है, तो निश्चित रूप से हम जांच करके अगर चार दीवारी नहीं होगा तो वो भी बनवा देंगे।